नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजधानी दिल्ली में फैली हिंसा के एक हफ्ते बाद खौफनाक सच सामने आ रहे हैं। हिंसा में 46 मौतों के बाद अभी भी नाले से लाशें निकल रही हैं। पिछले दो दिनों में नाले से 4 लाशें निकली है। सोमवार सुबह भी गोकुलपुरी नाले से एक और लाश बरामद हुई है। इससे पहले रविवार को नाले से 3 लाशें मिली थी। नाले से लाशें निकलने से इलाके में दहशत का माहौल है। हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 334 FIR दर्ज की है। इस मामले में 33 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 44 केस आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। हिंसा में मरने वालों की संख्या 46 हो गई है। नाले से जो लाशें मिली हैं उसकी पुष्टि होना बाकी है कि वो हिंसा से जुड़ी है या नहीं। गौरतलब है कि IV कर्मचारी अंकित शर्मा की बॉडी भी नाले से ही बरामद हुई थी। विपक्ष ने दिल्ली हिंसा के मामले को सदन में उठाने की मांग की है। इसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। इसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।